2 घंटे के लिए जेल से बाहर आया एक ट्रेस का किडनी पर यह थी वजह। साउथ एक ट्रेस के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए मलयालम एक्टर दिलीप पिता के श्राद्ध में शामिल होने 2 घंटे के लिए जेल से बाहर आया। श्राद्ध के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। बता दें कि दिलीप ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यह बात रखी थी कि उन्हें 6 सितंबर पिता के श्राद्ध में शामिल होना है। दिलीप का घर अलुवा के मणपुरम में है। पुलिस के पहरे में दिलीप सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी काव्या माधवन और बेटी मीनाक्षी मौजूद थीं। पुण्यतिथि की रस्मों के बाद उन्हें फिर से जेल लाया गया। दिलीप के बाहर आने से पहले दिलीप की पत्नी और बेटी उनसे मिलने अलुवा जेल पहुंची थीं। दिलीप को साउथ एक्ट्रेस के अपहरण और छेड़छाड़ केस में दोषी पाए जाने पर 10 जुलाई को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ट्रेस के अपहरण के लिए गुंडों को पैसे दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप का मानना था कि उनकी पहली पत्नी से अलगाव के लिए ये एक ट्रेस ही जिम्मेदार थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। दिलीप के केस में जाँच की जा रही है। उनकी न्यायिक हिरासत 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बात इसी साल की है। 17 फरवरी को कोची जाते वक्त एक ट्रेस का कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया था। 2 घंटे तक चलती कार में उसके साथ गलत काम किया गया और जबरन फोटो ली गई थी। इस मामले में उनके ड्राइवर पुलसर सुनी सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि दिलीप ने पुलसर को पहचाने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक सेल्फी ने दोनों का राज खोल दिया। दिलीप की पहली वाइफ मंजू वारियर है। दोनों ने 20 अक्टूबर 1998 को शादी की थी। मंजू से दिलीप की एक बेटी मीनाक्षी है, जिसका जन्म 2000 में हुआ। 2014 में दिलीप ने मंजू से तलाक की अर्जी लगा दी। इसके बाद 2015 में दोनों का तलाक हो गया। बाद में दिलीप ने 25 नवंबर 2016 को कोचिन में एक ट्रेस काव्या माधवन से शादी कर ली। बता दें कि दिलीप ने सैनियम 1994, सुधीनम 1994, थ्री मैन आर्मी 1995, मंथिरा कुखीरा 1996, थुवल कोटारम 1996, पैसेंजर 2009, मे बॉस 2012, अवतारम 2014, वेलकम टू सेंट्रल जेल 2016 सहित कई फिल्मों में काम किया था।